आगे बढ़ते हैं, क्या है मुनव्वर राणा को लेकर नया विवाद। दिल्ली की जेल से आया कौन सा सनसनीखेज वीडियो। नारायण राणे के मुद्दे पर अब कहां तक पहुंची राजनीति। देश की अहम खबरों को जानिए टॉप नाइन राष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट को 9 नए जजेस के मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने उन सभी 9 नामों पर सहमति जता दी है जिन्हें चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजा था। खास बात यह है कि इनमें महिला जज जस्टिस वीवी नागरत्ना का नाम शामिल है। जस्टिस नागरत्ना के सर्वोच्च अदालत में जज नियुक्त होने के साथ ही इस बात की संभावना भी प्रबल हो जाएगी कि आने वाले समय में वो देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। आज से मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। यह 4 दिनों तक चलेगा। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हो रहे हैं। युद्धाभ्यास के लिए चारों देशों की नौसेनाएं प्रशांत महासागर में पहुंच चुकी हैं। भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत गुआम स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पहुंच चुके हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय स्टेल्थ युद्धपोत INS शिवालिक और पनडुब्बी विध्वंसक INS कदमत पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मौजूद है। राजस्थान के बाड़मेर में इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा पायलट्स की ट्रेनिंग के दौरान हुआ। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हादसे में पायलट की जान बच गई। सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 5 रुपए से बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। सरकार के इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के करोड़ों गन्ना किसानों के हित में आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे किसानों के साथ साथ चीनी मिलों से जुड़े श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। विवाद हुआ, गिरफ्तारी हुई और बेल भी मिल गई, लेकिन नारायण राणे चुप रहने को तैयार नहीं है। राणे ने कहा कि जिसे देश का स्वतंत्रता दिवस नहीं मालूम है, मैंने उस पर बोला था। इन्होंने योगी पर गलत बोला था, अमित शाह के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। राणे ने कहा कि मैंने तो इसीलिए बोला क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के मामले में अज्ञानता दिखाई। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज को पुलिस ने लखनऊ के लालकुआं के एक मकान से गिरफ्तार किया। तबरेज पर चाचा को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग कराने का आरोप है। दरअसल बीते 28 जून को तबरेज के ऊपर फायरिंग हुई थी। तब उसने इशारों में अपने चाचा पर आरोप लगाया था, लेकिन जाँच में पता चला कि उसने खुद पर ही फायरिंग करवाई थी। दिल्ली के 2 खूंखार अपराधियों का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जाता है कि ये वीडियो नीरज बवानिया गैंग के राहुल कला और नवीन बाली का है, जो अपने साथियों के साथ जेल के अंदर बैठकर स्नैक्स और शराब का सेवन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो किसी लॉकअप या मंडोली जेल का बताया जा रहा है। मंडोली जेल के अफसर वायरल वीडियो की जाँच कर रहे हैं। स्पेशल सेल के अफसर भी इस वीडियो की जाँच की बात कर रहे हैं। लीड्स टेस्ट के पहले ही दिन भारत मुकाबले से लगभग बाहर हो गया है। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में बगैर किसी नुकसान के 120 रन बना लिए हैं और इस तरह से मेजबानों ने पहली पारी में 42 रन की लीड बना ली है। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत अपनी पहली पारी में 78 रन पर सिमट गया। कोई भी भारतीय बल्लेबाज औसत पारी भी नहीं खेल पाया। सबसे ज्यादा 19 रन रोहित शर्मा ने बनाए। एक समय भारतीय टीम 5 विकेट खोकर 67 के स्कोर पर थी और इसी स्कोर पर टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट हो गए और स्कोर 67 रन पर ही 9 विकेट हो गया। इंग्लैंड की ओर से एंडरसन और क्रेग ने 3-3 विकेट लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।